M for man, M for money, M for monopoly, and M for none other than mutual fund. नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बस्सी ट्रैवल एंड टॉक्स, लेके आया हूं एक नया एम फॉर मंडे वाला ब्लॉग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मंडे ब्लॉग। तो दोस्तों, आप कभी बैंक गए हो? बैंक बैंक कभी आपने वो स्कीम सुनी होगी, कभी आपने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, कभी आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। लेकिन बैंकिंग का ही अलग सेक्टर है, जिसे हम कहते हैं ये आपका म्यूचुअल फंड। जी हाँ, सही सुना आपने, म्यूचुअल फंड। अब आपको ये जानना है, अब आप ये हैरान परेशान हो रहे होंगे कि यार म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, काम कैसे करता है, कितने टाइप के होते हैं, और वो सेफ है कि नहीं है, रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स इज अ कंपनी दैट पूल मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर, जो कि आप हो, और इन्वेस्ट द मनी इन सिक्योरिटी सच एज स्टॉक। स्टॉक मतलब ये आपका शेयर मार्केट का स्टॉक, और बॉन्ड का मतलब वेरा बॉन्ड, और शॉर्ट टर्म डेट। तो आसान भाषा में बोले तो म्यूचुअल फंड एक कंपनी है जो कि आप जैसों का पैसा, आप जैसों का अर्नड मनी, जो कि सैलरी हम कहते हैं, आप जैसों का पैसा इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटी में, और उस सिक्योरिटी को हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बॉन्ड, जैसे बेरा बॉन्ड और शॉर्ट टर्म डेट। और अगर आपके पास कंबाइंड होल्डिंग म्यूचुअल फंड है, जैसे HDFC का म्यूचुअल फंड हो गया, ICICI बैंक का म्यूचुअल फंड हो गया, या तो SBI का म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड्स हो गया, ऐसे XYZ कंपनी के म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। जी हाँ, पोर्टफोलियो। और हाँ, ईच शेयर रिप्रेजेंट एन इन्वेस्टर, जो कि आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है इन फंड में जो आपने लगाया है, जो आपके पास है फंड। और हाँ, द इनकम इट्स जनरेट, जो कि फंड आपके पास है और जो इनकम उससे जनरेट होगी, जैसे मान लो आपकी सैलरी है, आप एक कंपनी में CEO, ठीक है, एक कंपनी में CEO, और आपको ये सोचना है यार लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो आप मिलोगे एक फाइनेंसर से। जी हाँ, आप मिलोगे एक फाइनेंसर से, वो आपका जो मनी है, जो आपकी जो इनकम है, वो पूल करेगा XYZ कंपनी के साथ, उस कंपनी की म्यूचुअल फंड लेगा, और उसको उस कंपनी को इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी को, इन्वेस्ट आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने के बाद वो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे शेयर मार्केट में हो गया, बॉन्ड वेरा बॉन्ड में हो गया, और शॉर्ट टर्म डेट में हो गया, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, जस्ट लीव योर नंबर बाय लीविंग अ मैसेज दैट आई एम इंटरेस्टेड एंड आई विल बी कॉन्टेक्टिंग यू वेरी सून। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक और चीज होती है कैप। कैप का मतलब टोपी नहीं, कैप का मतलब वो ये वाली हुड्डी नहीं, कैप का मतलब ये होता है कैपिटलाइजेशन। और उसमें तीन सेक्टर होते हैं, जिसका नाम
एक होता है लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। ये समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, नीचे कमेंट करना है अपना खूबसूरत सा 10 डिजिट का नंबर, ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं। और हाँ, नंबर के साथ अपना छोड़ना है मैसेज कि आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। और बस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक कमेंट इम्पॉर्टेंट है, करो। और हाँ, शेयर करो जिन जिन को भी ये म्यूचुअल फंड के बारे में समझना है या जानकारी देनी है, मैं दूंगा। और मेरे साथ कोई और भी होगा, वो भी देंगे। और तो आपको सिर्फ लाइक करना है, कमेंट इम्पॉर्टेंट एक और बार, शेयर करना है फिर से इम्पॉर्टेंट। और हाँ, अच्छी लगी ये वीडियो, सब्सक्राइब कर देना है मेरे खूबसूरत से चैनल को, ताकि आप नहीं मिस कर सको मेरी कोई भी अपडेट। तब तक के लिए नमस्ते।